हेलो एवरीवन, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चली होगी। और सॉरी कि मैं थोड़ा सा वीडियो लेट डालता हूँ, बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर्स का जो भी नोट्स जो बनाता हूँ मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि कैसे मैं बनाता हूँ और कैसे पेपर को पढ़ता हूँ। तो कुछ टाइम पहले और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें वहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्या आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर आप कैसे नोट डाउन करते हो, आप प्लीज़ एक बार शेयर करो। तो मैंने इस बार कोशिश की है, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज़ बुक लिस्ट रिसोर्स बता दीजिए एंड किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी या यूट्यूब चैनल जहाँ से आप सिलेबस कवर कर सकते हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर सकते हो वो बता दीजिए, या बुक लिस्ट एंड रिसोर्स ये सब है जो भी आप बता दीजिए। तो मैंने बुक लिस्ट एंड रिसोर्स पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे कि प्लीज़ किसी चैनल का नाम बता दीजिए जहाँ से आप लोग जो आपका जीएस पार्ट है, जो आपका प्रीलिम्स में जो भी सिलेबस है या फिर मेंस के रिगार्डिंग या इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि वहाँ से आप पढ़ के तैयारी कर। बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे कि कोई ऐसे चैनल का नाम बता दीजिए जहाँ से आप प्री का या फिर मेंस या इंटरव्यू बेसिस या किसी टॉपर्स का जो भी स्ट्रैटेजी होता है वहाँ से वो कवर कर सके, वहाँ से जाके मोटिवेट। साथ साथ ये भी था कि PYQ क्वेश्चन जो भी उसका ट्रेंड है, जो भी उसका एनालिसिस है, इसके बारे में कहाँ से पता कर सकते हैं, कोई चैनल है क्या जो ऐसा एनालिसिस कराता है उसके ट्रेंड का, जो भी उसके टॉपिक्स हैं उनका कुछ एनालिसिस हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक चैनल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और उसका नाम है PrepLadder IAS। इंटरव्यू या जो प्रीलिम्स एंड उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है उसका आप एनालिसिस पूरा डिटेल वीडियो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। जैसे स्क्रीन पे भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे सर्च करो PrepLadder IAS यूट्यूब पे, आप जाओ वहाँ पे सारे कंटेंट्स डले हुए हैं, हर एक सिलेबस जो भी सिलेबस में आपका जो भी टॉपिक्स है जो भी सब्जेक्ट है हर चीज़ पे एक वीडियो डाला हुआ है। इवन उसके साथ साथ जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है वो भी वहाँ पे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, तो आप सब देख सकते हो वहाँ पे। चाहे यूट्यूब पे सर्च कीजिए PrepLadder IAS, आपके जितने भी स्टडी से रिलेटेड जो भी UPSC से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ विजिट करके एक प्रीमियर दिखाया गया था 7 अक्टूबर को 5 साल 25 सवाल नाम से, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें डिस्कस की गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वीडियो बहुत ही अलग अलग तरीके के, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स के एंड ऑप्शनल रिलेटेड। और मैं PrepLadder IAS के बारे में थोड़ा और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 5 साल में जितने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए उसका जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो भी टॉपिक्स है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन सा टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सकता है आपके लिए जितना बेनिफिट हो सकता है वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट हैं उसको निचोड़ के एक एक चीज़ को पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करके उसको पूरा क्लेरिफाई करके कि आपके लिए उसमें से सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा फोकस रखना है। बिकॉज राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते तो हम सब हैं लेकिन अगर राइट गाइडेंस नहीं है तो हमारे लिए क्या है कि एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाता है क्लियर करना, तो राइट गाइडेंस चाहिए। तो एक बार आप इस चैनल को विजिट कीजिए, 7 अक्टूबर को इसका प्रीमियर स्टार्ट है, आप देखिए, प्रीमियर होगा, लाइव सेशन होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं आई गारंटी कि आखिर वेट किस बात के है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे PrepLadder IAS सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा कि उसके जो भी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो मैं इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंटेंट रिलेटेड, जो भी सिलेबस रिलेटेड या कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड, अब वहाँ वीडियो डले हुए हैं, एक्सपर्ट्स के वीडियो हैं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, आप जाके एक बार विजिट कीजिए, सर्च कीजिए, आपको पूरा जो आपको मतलब जो चाहिए वो चीज़ आपको वहाँ से। इसके बाद जो मेरा न्यूज़पेपर का था पॉइंट, मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगा, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे मैं पढ़ता हूँ उसको, कैसे नोट बनाता हूँ और आपके काम पे बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, अगर नहीं देखोगे तो कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, तो फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने ये नहीं बताया हमें, ये कैसे हो गया। तो प्लीज़ एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, तब जाके आपको हर एक पॉइंट समझ। इस टाइम मेरा पूरा फोकस मेरे ऑप्शनल और करेंट अफेयर्स पे, क्योंकि ऑप्शनल जितना जल्दी मैं कवर कर लूँगा उसके बाद से मैं GS अपना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिसंबर के पहले इसको ओवर करना है, तो चाहे जैसे भी। और ये थोड़ा सा सिलेबस इसका कम है, बट
आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 3 या 4 मंथ तो लगेंगे इसमें। तो मेरा सारा टारगेट अभी यह है कि मैं ऑप्शनल ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं अपना जो जीएस है उसको स्टार्ट करूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं करते रहता हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते साथ में इसका नोट्स भी बना रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो भी नोट करते रहो। आप देख रहे हो कि मैंने अंडरलाइन किया कि मुझे जो लग रहा था इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है तो उसको ज़रूर मेंशन कर लिया जाए। नीचे देख सकते AFSPA एक कुछ पॉइंट है जो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको मैंने नोट कर लिया। बट ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर कर देता हूँ, जैसे कुछ फालतू पॉलिटिकल टाइप से कोई आर्टिकल रहता है तो उसकी कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, या आपका टाइम बचाएगा। मैनेज करना है आपका टाइम को, कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उस पर फोकस करो, कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम की बहुत ही वैल्यू है इस टाइम। और कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके आप पॉइंट आउट कर लो क्या इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो मैंने उसको देखो अच्छे से कवर किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मैं अभी इसको आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है। तो एक एक चीज़ जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें होती है कि आप प्रीलिम बेसिस पे भी इसको देख सकते हो, कुछ होता है कि मेंस बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कुछ पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, एबॉर्शन राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो कुछ टाइम पहले का था, लेकिन उस पर एक आर्टिकल छपा हुआ है कि एक तरह का एक अच्छा एक्शन माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, सारे पॉइंट इसमें मेंशन है, तो इसको आप देख सकते थे। मैंने खुद किया है तो मैं मुझे कुछ पॉइंट इसको याद है और कुछ मैंने नोट कर लिया था कि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो करो। और जैसे एक तरह से कुछ टाइम पहले तमिलनाडु ने सुबह ब्रेकफास्ट ऐड किया था उनके जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, तो उतना मुझे नहीं लगा कि इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ इसमें फैक्ट डाटा दिया था तो उस डाटा को मैंने मेंशन किया है और नोट भी किया है। एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को द मेडिएशन बिल, ये गवर्नेंस से रिलेटेड था, तो गवर्नेंस आपका पार्ट है एक, तो भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ मुझे नहीं लगा ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसका नोट्स भी बनाया, मैं अभी आप लोग को नोट्स में भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यही थे कि आप बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं आप। ये इंडक्शन था जो भी अभी न्यूली हेलीकॉप्टर ऐड किया गया, एक्चुअली फाइटर है जो। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं साव विजिट ब्रिंग होप्स अबाउट द पहाड़ी एंड अननोव्स एसटी ग्रुप, तो इनके भी कुछ बहुत ही मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ों को इसने अच्छे से बताया कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटी रहती हैं, तो उस कम्युनिटी के कुछ नाम मेंशन थे, तो इसलिए मैंने उसको नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप कुछ महात्मा गांधी के बारे में कुछ उनकी फिलॉसफी या थॉट्स को जानना चाहते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसे मिल जाती है कि जो आपके बुकलेट में नहीं रहता वो चीज़ें, तो आप यहाँ इसको पढ़ सकते थे। मैं सही बताऊँ तो इसको मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ इनके बारे में और कुछ इनके एक्शन के बारे में, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ए 69% हाउस अंडर PMAY रूरल इंडिया आर ओन्ड बाय वुमेन सेज गवर्नमेंट, तो इसको मैंने अच्छे से देखिए, मैंने वहाँ ऊपर लिखा भी है PM आवास जो योजना थी और उज्ज्वला योजना थी और एक और स्वच्छ भारत थी, एक कैसे महिलाओं के लिए कैसे इफेक्टिव रहा। तो ये चीज़ें जब आप सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हो और मे बी एग्ज़ाम से कुछ इस महिलाओं को लेकर प्रोस्पेक्टिव से कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसे 1, 2, 3 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएगा, तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ता है। फिर यहां पे मैंने देखा मनरेगा का कुछ पार्ट दिया हुआ था, इसको भी पढ़ सकते थे, इसको भी मैंने किया। और सेंटर प्लान कटिंग को सप्लाई टू प्लान दैट डोंट कंपाइल मस्ट को फायरिंग, तो कुछ सर्टेन चीज़ें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड पार्ट था, कुछ इकोनॉमी बेसिस पे पार्ट था, एंड कुछ पार्ट पॉलिटिकल, कुछ बस सोसाइटी, कुछ महिलाओं के लिए। तो ऐसे ही आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही टाइम वेस्ट होगा अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरे न्यूज़पेपर में ढूंढना है कि आपकी काम की चीज़ क्या है, आप फालतू टाइम वेस्ट मत करो कहीं पे भी, चाहे इकोनॉमी सेक्टर से कुछ क्वेश्चन हो, चाहे एडिटोरियल से आया हो, या कोई पॉलिटिकल से, तो चाहे नेशनल थ्रेट हो या इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ सवाल हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका नोट्स कैसे बनाया, कि बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैंने कोशिश की न्यूज़पेपर से जो भी फैक्ट डाटा निकल सके या कोई वैल्यू एडेड जो भी पॉइंट दिया हुआ उसको नोट कर लिया जाए और आप लोग को दिखाया जाए कि कैसे आपको बनाना है, ना कि पूरा पेपर या पूरा जो भी आर्टिकल दिया हुआ है उसको लिखना है, सब नहीं लिखना है, अदरवाइज़ आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और क्या उसमें से आपको लिखना है क्या छोड़ना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना है वहाँ से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे बी अगर आप नहीं पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो किसी कोचिंग का करेंट अफेयर्स मैगजीन ले लिया करो मंथली, वो पढ़ा करो, या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, क्योंकि इसके और भी फायदे हैं, आपकी जो वकैब है एंड जो आपकी स्पीकिंग स्किल है एंड जो भी आप कुछ आर्टिकल पढ़ते टाइम या कुछ भी सेंटेंस पढ़ते टाइम आपका जो लाइक होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, आपको ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से भी बेनिफिट मिलेगा और आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो है ही है। तो ये है मेरा नोट जो मैंने न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है और अभी आप लोग को दिखाता हूँ क्या पॉइंट कैसे जो मेंशन था वहाँ पे उसको मैंने नोट डाउन किया है। तो पेपर जैसे ही आप खोलते हो तो वहाँ पे सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसी को दिया गया था, तो एक सिंगल नाम है और वन लाइनर क्वेश्चन है, मे बी प्री में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर वन लाइनर कुछ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड होती है तो आप उसको मेंशन कर लो। तो किस फील्ड में दिया गया, एक वो चीज़ था मेडिकल में दिया गया था, तो वो चीज़ मैंने नोट कर लिया। फिर उसके बाद एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि गवर्नमेंट में लिप AFSP है इन 4 स्टेट आफ्टर नागालैंड। तो एक्चुअली इसमें देखोगे ना आप तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इसके अंडर आता है, इसका पूरा क्या नाम है, इसका क्या काम होता है, और मेरे नोट्स में भी इस चीज़ को पूरा बकायदा लिखा हुआ है। तो देखिए AFSP के क्या नाम है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और एक किसके अंदर आता है, कहाँ पे लागू है, अरुणाचल प्रदेश आसाम नागालैंड, पूरा न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंडर सेक्शन 3, और एक कैसा पावर देता है और जिसको पावर देता है उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है कि नहीं। तो एक कुछ चीज़ें थी, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको पूरा वहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें अगर कुछ आती है तो आप उसको मेंशन कर लो और अच्छे से नोट कर लो। इसके आगे का मैं दिखाता हूँ, ऑनलाइन बेटिंग ऑड्स एंड रुपीज़ अंडर प्रेशर। तो रुपीज़ अंडर प्रेशर ऐसा एक पॉइंट था जो अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड था, फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं, और इन न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया था। तो देखो न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से कवर हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया और जो अंडरलाइन किया है मैंने उसको अपने नोट्स में डाला हुआ है कि मे बी मेंस में या प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू सम रीजन, कौन से रीजन है करेंट अकाउंट डेफिसिट। और कुछ इसमें एक नए कंसेप्ट था, बर्न रेट। अब ये बर्न रेट क्या होता है, तो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है पेपर में कि व्हाट इज़ बर्न रेट, तो आप उसको लिख सकते हो। मे बी कुछ ऐसे टर्मोलॉजी होती हैं जो पता नहीं होता लेकिन न्यूज़पेपर में आता है, और UPSC का कुछ ऐसा पैटर्न है कि अगर कुछ ऐसा मिल जाता है तो वो पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ टर्म जो नया है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है, या सुप्रीम कोर्ट का कुछ था, तो आप उसको लिख लो। ये मैंने आपको इसका बताया कि कुछ दिन पहले जजमेंट आया था तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था मेंशन करने लायक, बट मैंने इसको टॉपिक को मेंशन कर दिया था कि ये था। तो जब भी आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि एक हेडलाइन, तो आपके माइंड में रहेगा हाँ ये चीज़ें अगर आप नोट किए तो मतलब ये एक तरह से इंपॉर्टेंट था और न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ स्टैटिक्स, कुछ डाटा दिए हुए हैं डेथ रेट के बारे में। तो इंडिया का जो डेथ रेट है वो रेशियो क्या है, और इंडिया में आप देखोगे कि स्टेट है कौन सबसे ऊपर है, कौन सा नीचे है, तो मे बी ये आपको स्टेट में एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, अदरवाइज़ ऐसा तो कुछ है नहीं कि मे बी UPSC है, लेकिन अगर आता है तो आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ डाटा आप लिख सकते हो जो सबसे हाईएस्ट कौन से जगह पे, इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट का रेशियो है, कहाँ पे सबसे लो है, तो एक कुछ चीज़ें वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे आप पूरे न्यूज़पेपर में आप पॉइंट ढूंढो, और किसी पॉलिटिकल से तो या गवर्नेंस से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन उसको ऑपरेट करता है, कहाँ पे वो यूज़ होता है। मेडिएशन बिल के बारे में था, तो मेडिएशन बिल गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो गवर्नेंस इज आवर सिलेबस का पार्ट है वो। अब ये भी मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो अभी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और कुछ और पॉइंट्स हैं, कम्युनिटी रहती है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो उसको शायद ST ग्रुप में उसको रख रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ढूंढना है और उसको अपने नोट्स में डालना है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। मे बी आपको आदत नहीं है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की या वहाँ से नोट्स बनाने की, तो आप कुछ पॉइंट लिख लो। अगर आप बहुत नहीं लिखना चाहते तो कुछ पॉइंट लिख लो, और जब आप मैगजीन पढ़ते हो, कोचिंग मैगजीन पढ़ते हो, तो मोस्टली उसमें ये सब कवर रहता है, पूरा नहीं लेकिन आप कहोगे कि 75% 80% जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ वो कवर करते हैं।
तो आप वहां से भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है न्यूज़पेपर तो। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई पर्सनली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो मैंने प्रेप लेटर का आपको बोला था कि आप प्रेप लेटर पे एनालिसिस कर सकते हो न्यूज़पेपर का, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पूरा राइट गाइडेंस मिलेगा वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। आपको जीएस में इशू है, किसी में भी इशू है, आप वहाँ से कर सकते हो। अब एक पॉइंट था ओमेन के बारे में था कि कितना परसेंट जो प्रधानमंत्री आवास योजना था तो कितना ऑन करती हैं ओमेन, तो ओमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट अगर दिया हुआ है तो आप नोट कर लो उस चीज़ को।